नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी भक्तों को बताऊंगा साल 2020 में दशहरा विजयदशमी का पर्व कब है, क्योंकि जैसी जानकारी यहां ऐसी जानकारी और कहां। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का निशान जरूर दबा लेंगे, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। प्रिय बंधुओं, दशहरे का पर्व हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, अधर्म पर धर्म की जीत होती है, इसलिए इस पर्व को विजयदशमी का अर्थात विजय के रूप में मनाई जाने वाली दशमी तिथि को ही विजयदशमी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था और इसलिए इस पर्व को दशहरा पर्व के नाम से जाना जाता है। साल 2020 में दशहरे का पर्व कब मनाया जाएगा यह मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि सत्य जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंचाते रहिए। जैसी जानकारी यहां ऐसी जानकारी और कहां। प्रिय बंधुजनों, विजयदशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है, अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक विजयदशमी होता है। साल 2020 में विजयदशमी का पर्व 25 अक्टूबर रविवार के दिन मनाया जाएगा। साथ में साइड में मैं स्क्रीन पर शो कर देता हूं, साल 2020 में विजयदशमी का पर्व 25 अक्टूबर रविवार के दिन मनाया जाएगा। और ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करना, उनका गुणगान करना बेहद कल्याणकारी होता है। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी विजय के लिए दुर्गा देवी का आवाहन किया था और तभी से इस पर्व को दशहरा पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन आपको राम जी का गुणगान करना चाहिए, उनके मंत्रों से उनका ध्यान करना चाहिए। प्रिय बंधुजनों, आशा करता हूँ आज के इस एपिसोड में दी गई यह जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर करेंगे। अगले अंक में किसी नई जानकारी के साथ प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए जय माता।